नमस्कार, मैं सरोज रावत। आइए आज हम स्पर्श भाग दो यानी कि कक्षा दसवीं के काव्यखंड का पहला पाठ लेते हैं, जो है कबीर की साखियां। कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष महगर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीति, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के भाई आडंबर यानी बाहरी आडंबर, दिखावा जो होता है, उन पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, और दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है और वह निर्विकार है, मतलब वो हर जगह पाया जाता है और अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी और उन्होंने जनचेतना और जनभावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। साखी नामक पाठ में हम सबसे पहले उसका, इस साखी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। साखी शब्द जो है साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो है गुरु शिष्य को प्रदान करता है। तो संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्वता दी जाती थी और दी जाती है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं इतनी महत्वता है। और कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे और अतः उन्होंने या उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। तो साखी जो है दोहा छंद है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता, मतलब सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन में तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, और यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। यानी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी बातें कही, जिन्हें हम अपने जीवन में कई बार अनुभव करते हैं कि हाँ, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। पहली साखी लेते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुखोए। शब्दार्थ लेते हैं। वाणी यानी आपकी बोली या वचन, आपा अहंकार घमंड, तन का मतलब होता है शरीर, शीतल यानी ठंडा, औरन को यानी औरों को। तो भाव सौंदर्य इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, यानी हमें ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जो मन का आपा खोए, जिसमें घमंड ना हो, क्योंकि घमंड के कारण जो है वो शत्रुता और कटुता की भावना जो है वो नजर आती है। तो हमें मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए, तो उस पर बल दिया गया है। मीठी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए, इससे हमें आत्मिक सुख व शांति प्राप्त होती है। तो अपना तन शीतल करे, यानी हमारा खुद का जो तन है, यानी हमें तो उससे सुखद अनुभूति होती ही है, औरों को सुख होए, औरों को भी उसमें उससे शांति का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए हम मीठी वाणी बोलकर अपने शरीर को भी शीतलता पहुंचाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने घमंड को का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कठोर वाणी हमें क्रोधित व उत्तेजित करती है। तो मीठी वाणी जो है वो घमंड का त्याग करेगी, तन को शीतलता प्रदान करेगी तथा आनंद की हमें सुखद अनुभूति कराती है। इस प्रकार मीठी वाणी बोलने से न केवल दूसरों को हम सुख प्रदान करते हैं, अपितु स्वयं भी शीतलता का अनुभव करते हैं। दूसरी साखी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ, कस्तूरी का मतलब होता है एक सुगंधित पदार्थ जो कि हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का मतलब है नाभि, और मृग यानी हिरण, वन जंगल, घटी का मतलब होता है कण कण में, यानी घट घट में, यानी हर जगह कण कण में। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार है।
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, यानी हिरण की नाभि में ही कस्तूरी रूपी सुगंधित पदार्थ का वास होता है, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है, वो इस बात का उसे इस बात का बोध ही नहीं है, और वो उसे मृग ढूंढे बनमाही यानी वन वन में जंगल में ढूंढता फिरता है, उसकी तलाश में वो जंगल में घूमता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में घट यानी उसके शरीर में ही परमात्मा का वास होता है, हर मनुष्य के अंदर एक अंश है ईश्वर का, वो पाया जाता है, लेकिन हम जो हैं शक्ति का स्रोत हमारे भीतर होता है, लेकिन हम उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं होता है, हमें उसका बोध नहीं है, हमें उसके बारे में नहीं पता है, और हम उसे बाहर अन्य कर्म कांडों में ढूंढते रहते हैं, मंदिर मस्जिदों में अनेक धर्म स्थलों में उसे ढूंढते रहते हैं, तो अपने भीतर ढूंढने का हम उस प्रयास ही नहीं करते, और यही भ्रम है, यही भूल होती है। तो मृग जैसी हमारी स्थिति है, हमारी दशा बिल्कुल उसी हिरण के समान है जिसकी नाभि में कस्तूरी है और उसे पता ही नहीं है, और वो सुगंध की खोज में दर दर जंगल जंगल भटकता फिरता रहता है। अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करते हैं, लेकिन हम उन्हें अज्ञानता के कारण मंदिरों मस्जिदों गिरजाघरों व गुरुद्वारों यानी सारे तीर्थ स्थलों में बेकार ही खोजते फिरते हैं। कबीर के अनुसार कण कण में छिपे परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। माही का अर्थ होता है अंदर भीतर, दीपक यानी दिया जिससे प्रकाश होता है, हरि का अर्थ है ईश्वर, और मैं यहाँ पर है अहंकार की भावना, घमंड का होना। तो कबीरदास जी के अनुसार वे कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे भीतर अहंकार रूपी मैं मेरी वाली भावना थी, जब मेरे मन में घमंड था, तब ईश्वर का वास मुझ में नहीं था, यानी मेरे अंदर तब ईश्वरत्व जो है वो नहीं था, और अब हरि है मैं नाही, और जब मैंने उस मैं रूपी अहंकार को नष्ट कर दिया तब मेरे अंदर हरि समा गए, यानी अब हरि है और मैं नाही, अब ईश्वर तो है लेकिन मैं वाली भावना नहीं है, यानी घमंड मेरा जो है वो अब नहीं रहा। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए हमें घमंड का त्याग करना यानी अपने अंदर से अहंकार की भावना को मिटाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कवि के अनुसार कि जिस प्रकार दीपक के जलने पर, यानी वो कह रहे हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, यानी दीपक के जलने पर प्रकाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, तो ऐसे में दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक के हृदय में जलने पर जो अज्ञान रूपी अंधकार मुझ में था वो सब का सब समाप्त हो गया। और यहाँ दीपक जो है वो ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, और अंधियारा यानी अज्ञान, अज्ञान रूपी जो अंधकार मेरे में छाया हुआ था वो उस ज्ञान रूपी दीपक के जलने से सब चला गया, और ज्ञान का प्रकाश होने पर मन में जो काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार रूपी जितने भी दुर्गुण थे, जितनी बुरी भावनाएं थी, वे सब की सब चली गई। तो अज्ञान की अवस्था में मनुष्य जो है वो अपने ही हृदय में यानी अपने मन में विराजमान हृदय ईश्वर को हम पहचान नहीं पाते हैं, उसको पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, और वह अपने आप में ही डूबे रहते हैं, मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है तब हमें मानो परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, और हम अपने सब और ईश्वरीय सत्ता का आभास जो है हमें होने लगता है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो सबका सब ईश्वर की कृपा है, और मनुष्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर तब चल पड़ता है। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ होता है सुखी होना, खाए यानी भोजन करना खाना, अरु यानी और, दुखिया यानी दुखी, और दास का मतलब है ईश्वर का भक्त। तो भावार्थ इस प्रकार है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में जो विषय वासनाओं से लिप्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मजे से अपना जीवन काट रहे हैं,
भगवान की भक्ति से विरक्त यानी हीन जीवन अगर वो जी रहे हैं तो वे अपने आप को सबसे सुखी मानते हैं। और दुखिया दास कबीर है, जागे अरुरोवे। और कबीर दास जी उन लोगों में अपने आप को गिना रहे हैं जो ये सब देखते हैं, जो देख रहे हैं कि लोग अपने इस अमूल्य जीवन को जो कि नश्वर है, क्षण भंगुर है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसे बिना ईश्वर भक्ति में लगाए नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे अपना जीवन जो है विषय वासनाओं में लिप्त होकर जी रहे हैं। तो ऐसे में वे कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति जो है केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है, और उस जिसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना है, और वही व्यक्ति सुखी मान अपने आप को सुखी कहता है, वो सुखी है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देखकर रोता रहता है वो दुखी है, क्योंकि उसे पता है एक ना एक दिन ये जीवन नष्ट होने वाला है। और ऐसे लोगों को संसार में फैली अज्ञानता को देखकर तरस आता है, ईश्वर भक्ति से विमुख लोगों की दुर्दशा देखकर वे सो नहीं पाते हैं। यह सोना शब्द जो है वो अज्ञान का, और जागना शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो जो लोग सांसारिक सुखों में खोए हैं वे सोए हुए हैं, और वे संसार की नश्वरता, उसकी क्षणभंगुरता यानी जो नष्ट हो जाने वाला है, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। वे सांसारिक सुखों को सच्चा सुख मानकर उनके पीछे भाग रहे हैं, और अज्ञानता के कारण ही वे अपना हीरे सा बहुमूल्य जीवन जो है व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। दूसरी ओर ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार जो है वो नश्वर है, और फिर भी मनुष्य उसमें डूबा रहता है, डूबा हुआ है, और यही देखकर वो दुखी हो जाता है। वो चाहता है कि मनुष्य जो है वो भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो और अपने जीवन को सफल बनाए। पांचवी साखी, बिरह भुवंगम तन बसए, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। बिरह का मतलब होता है वियोग, वियोग का मतलब बिछुड़ना, और भुवंगम यानी सांप, तन का अर्थ है शरीर, मंत्र यानी उपाय, और वियोगी का मतलब होता है विरही, जो बिछड़ा हुआ है, बौरा यानी पागल होना, पागल, ठीक है। तो भावार्थ इस प्रकार होगा, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो बिरह है वो सांप की भांति है, विष सांप की भांति है जो तन में बस गया है, यानी उसका विष जो है, सांप का विष जो है बड़ा घातक होता है। तो विरह जो है उस सर्प के समान है जो कि हम तन में बस गया है, और मंत्र न लागे कोई, और उस पर कोई उपाय जो है वो नहीं काम आ रहा है। राम वियोगी ना जीवे, तो भगवान के विरह में रहने वाला व्यक्ति जो है वो उस कष्ट को कैसे सह रहा है, जैसे उसके तन में विष जो है वो समा गया है, और उस विष का कोई तोड़ उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मंत्र, कोई भी टोना टोटका या झाड़ फूक, किसी का भी असर उस पर नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार राम वियोगी ना जीवे, तो राम की यानी ईश्वर के वियोग में वो जीता तो है, लेकिन वो कैसा जी रहा है, जैसे एक वो बावलों का यानी पागलों सा जीवन वो जी रहा है, अगर जीता है तो बावला हो जाता है। तो यहाँ पर विरह पीड़ा के लिए सांप और विष का उदाहरण जो है वो बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, और ये स्पष्ट किया है कि विरह जो है, विरह की का जो कष्ट है वो विष के समान अधिक मारक होता है। और सर्प और विष का उदाहरण देते हुए कवि ने राम वियोग यानी ईश्वर के वियोग में रहने वाले व्यक्ति की के कष्ट का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि विरह सांप की भांति है, और विरह विष तन में जब समा जाता है तो कोई भी झाड़ फूक, कोई मंत्र, कोई उपाय जो है उस विष को खत्म नहीं कर पाता, उसका मार कोई मार होता ही नहीं, उपाय नहीं किया जा सकता। राम का वियोगी जो है, राम से बिछड़ा हुआ व्यक्ति जो है, ईश्वर से विरक्त व्यक्ति जो है, वो उस कष्ट को में मरता है, और अगर जीता है तो उसका जीवन पागलों का जैसा हो जाता है। छठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। यानी निंदक का मतलब होता है निंदा करने वाला, आपकी बुराई करने वाला। नेड़ा यानी आपके पास में, निकट। कुटी बधाई यानी कुटिया बनाकर। साबुन का मतलब होता है साबुन। निर्मल का मतलब है पवित्र, साफ।
और सुभाई अर्थात स्वभाव। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेड़ा रखिए, आपकी जो निंदा करता है, आपकी जो बुराई करता है, उसे हमें अपने पास में रखना चाहिए। होता क्या है, अक्सर जो हमारी बुराई करता है हम उससे अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को अपने पास रखने को कहा है और कहते हैं कि आंगनी कुटी बधाए, हो सके तो उसे अपने आंगन में कुटिया बनाकर ही अपने पास ही रखना चाहिए, उसको अपने पास में निकट में स्थान देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों से वो जो दोष आपको गिनाएंगे, आपके अंदर के दोष वो जो बताएंगे, आपकी गलतियों को जो वो बताएंगे, उससे आप उन्हें सुधार सकते हैं। और ऐसे में हमें वो लाभ प्राप्त होगा कि उसके द्वारा दिखाए गए दोष को हम आसानी से समाप्त कर पाएंगे, जिससे हमारा स्वभाव जो है वो साफ हो जाएगा। और वो भी कैसे, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। जैसे साबुन और पानी की मदद से किसी कपड़े को साफ किया जाता है, ऐसे ही हम बिना साबुन और पानी के ही ऐसे लोगों की, ऐसे निंदकों की मदद से अपने स्वभाव को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अतः अपने दोषों को सुनकर व्यथित होने की अपेक्षा उन्हें दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और सच्चा हितैषी, हितैषी कहते हैं जो आपके हित की बात करता है, आपके लिए जो लाभकारी है, तो सच्चा जो हितैषी है वो वही है जो आपके दोषों को दूर करने में आपकी मदद करे। इसीलिए निंदक यानी जो बुराई करता है उसे हमें दूर ना रखकर अपने पास में रखना चाहिए। सातवीं साखी, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोए, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी का मतलब होता है धार्मिक पुस्तक, और जग यानी संसार, मुआ यानी मर गया, पंडित यानी ज्ञानी, भया यानी हुआ, और पीव यानी प्रियतम, सु यानी वह। तो पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, तो ये संसार जो है वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गया है। लोग जो हैं वो इस संसार में धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पंडित भया ना कोई, लेकिन ज्ञानी जो है वो फिर भी कोई नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से ही कोई जो है वो पंडित या ज्ञानी नहीं कहलाता है। धर्म का की सही परिभाषा केवल पढ़ने से नहीं आती है, मन में आपका, आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम भावना होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ऐसी पुस्तकें पढ़ लेने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। एके आशिर पीव का, यानी एक, यहाँ पर अक्षर की बात है, आशिर यानी अक्षर, तो एके आशिर पीव का यानी प्रेम का, प्रियतम यानी प्रेम का एक अक्षर जो है उसको पढ़ने से ही, यानी राम के जो दो अक्षर हैं उनमें प्रेम है, ठीक है, एके यानी एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने से ही आपके अंदर पांडित्य यानी कि आप जो है ज्ञानी बन जाते हैं। यानी प्रेम हृदय का भाव है, पढ़ना मस्तिष्क का। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसने राम के दो अक्षरों को जान लिया वही विद्वान हो जाता है। तो ईश्वर जो है, ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए मन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। अर्थात शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा भक्ति व प्रेम की श्रेष्ठता को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। और कवि कहते हैं, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए मन को हमें सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। आठवीं और अंतिम साखी, हम घर जा लिया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। जालिया यानी जलाना, जलाया, मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, जालो यानी जलाओ, और तास का यानी उसका, जय यानी जो। तो भाव सौंदर्य ऐसे है, भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जालिया अपना, यानी मैंने अपना विषय वासनाओं रूपी या अज्ञान रूपी जो घर है, जो सारे दोषों से या अवगुणों से भरा हुआ जो घर है, वो ज्ञान रूपी मुराड़ा यानी ज्ञान रूपी मशाल हाथ में ले ली है मैंने, और मैंने उस घर को जला दिया है।
यानी मोह माया के केंद्र इस संसार को जला दिया है मैंने, और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को ये इस तरह का जो घर है, जो सांसारिक बंधन और मोह माया से भरा हुआ है, उसको भस्म करना पड़ेगा। तो हम घर जा लिया अपना, यानी मैंने अपना घर तो जला लिया है, किससे लिया, मुराड़ा हाथी, यानी मैंने ज्ञान रूपी मशाल को लेकर अपना घर जला दिया, यानी मेरे अंदर जितने भी विकार थे, जितनी भी बुरी भावनाएं थी, दोष थे, वो सब के सब मैंने जला दिए हैं। और जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए काम क्रोध मोह आदि विषयों को का त्याग करना होता है, त्याग करना होगा, क्योंकि यही ज्ञान प्राप्ति में हमेशा रुकावट बनते हैं, तो इन सब को जलाना जरूरी है, और मैंने उन्हें जला दिया है। अब घर जालो तास का, अतः जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने के लिए मेरा साथी बनेगा, यानी अब घर जालो तास का जय चले हमारे साथ, जो मेरे साथ इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके भीतर के सारे दोष जो हैं वो जल जाएं, वो नष्ट हो जाएं, और उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसे भी अपना घर जलाना होगा। तो मेरा साथी जो भी बनना चाहता है, उसे अपना ये घर जो है वो जलाना होगा। अर्थात अगर बाहरी संसार को भस्म करना हो, उसके लिए हम मशाल लेते हैं, मशाल से हम कोई भी भौतिक वस्तु को जला देते हैं, लेकिन अंदर के विकारों को, अंदर के दोषों को दूर करने के लिए हमें ज्ञान रूपी अग्नि जरूरी है, उसका होना बहुत जरूरी है।